अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। आज की रेसिपी है कीमे वाले पराठे। इसके लिए चाहिए 600 ग्राम कीमा, 3 मीडियम प्याज, 3 इंच का अदरक, इसको हमने फाइनली चॉप कर दिया है, 1/2 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून रेड मिर्ची, 1/2 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1/2 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून जायफल, 5 to 6 रेड मिर्ची, अगर आपके पास ग्रीन वाली भी है तो आप वो भी डाल सकते हैं, 1 हैंडफुल धनिया। आटे के लिए चाहिए 2 कप आटा एंड 1 कप मैदा, 1 टेबलस्पून घी एंड 1 टीस्पून नमक। अभी हम आटा प्रिपेयर करेंगे। आटा एंड मैदे के अंदर हम डालेंगे नमक एंड घी और अब हम इसको मिक्स करेंगे। आटा रेडी हो गया है। इसके अंदर हमने 1 ग्लास पानी डाला था मिक्स करने के लिए और अभी हम इसको कवर करके 5 to 10 मिनट्स के लिए साइड पर रख देंगे। अब हम कीमा प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम कीमा में डालेंगे प्याज, अदरक, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, गरम मसाला एंड जायफल, नमक एंड रेड मिर्ची, रेड चिली एंड फाइनली हम इसमें डालेंगे हैंडफुल धनिया। अब हम इसको मिक्स करेंगे। कीमा मिक्स हो गया है, अभी हम कीमे वाले पराठे बनाएंगे। ये हमने छोटा पेड़ा लिया है और अभी हमने इसके ऊपर थोड़ा सा आटा लगा के इसको ऐसे स्ट्रेच कर दिया है और अब हम इसमें थोड़ा सा घी लगाएंगे और अब हम इसको फूल करेंगे और अब हम इसको ऐसे गोल कर देंगे। अभी हम पेड़े में थोड़ा सा आटा लगाएंगे और हम इसको ऐसे बेल देंगे, साथ साथ आटा लगाते रहेंगे। दूसरे पेड़े को भी हम ऐसे ही बना देंगे। इसमें हम थोड़ा सा घी लगा देंगे और हम कीमा रख देंगे इसके ऊपर और अब हम इसके ऊपर दूसरी रोटी लगा देंगे और हम साइड से इसको पिंच करके बंद कर देंगे। ये एक तरीका था पराठे बनाने का। अभी हम दूसरा तरीका बनाएंगे। इसमें हम थोड़ा भरा पेड़ा लेंगे और अब हम इसकी प्रॉपर रोटी बनाएंगे। और अब हम इसको छुरी से कट करेंगे। घी ऐसे स्प्रेड कर देंगे, आप चाहें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और अब हम इसमें ऐसे कीमा स्प्रेड कर देंगे। और अब हम इसको ऐसे रोल कर देंगे। ये 2 वेज हैं कीमे वाले पराठे बनाने की, आपको जो इजी लग गया आप वो बना सकते हैं। और अब हम कीमे वाले पराठे पकाएंगे। माशाल्लाह ये देखें, इतना अच्छा कलर आ गया है, स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। अभी हम इसको निकाल देंगे।